समंदर में सार्क एक तृतीय से कम नहीं है। इंसानों को समंदर में सबसे ज्यादा खतरा सार्क से ही रहता है। लेकिन क्या आपको पता है सार्क को किससे डर लगता है? डॉल्फिन से। सुन के आपको हंसी आई होगी ना। कहाँ ये क्यूट से देखने वाली डॉल्फिन और कहाँ ये खतरनाक सार्क, यूनिक सी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल बात ये है कि इसके कई कारण है। डॉल्फिन एक्चुअली ज्यादा तेज तैर सकती है और डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि सार्क की टेल वर्टिकल होती है, जिसकी मदद से डॉल्फिन के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यही वजह से ज्यादा तेज तैर सकती है और इधर उधर मूव कर सकती है। दूसरा, इससे उल्टा सार्क अकेले अकेले घूमती है और डॉल्फिन अपने ग्रुप में घूमना पसंद करती है, जिसकी वजह से सार्क को ये डर लगता है कि अगर उस पे हमला हुआ तो डॉल्फिन का सारा झुंड सार्क पे अटैक कर देगा। तीसरा, डॉल्फिन की नाक बड़ी मजबूत है, हड्डी से बनी है और डॉल्फिन काफी इंटेलिजेंट और मैमल है और सार्क एक मछली है, इसी वजह से डॉल्फिन चाहे तो सार्क को मार सकती है।